राजस्थान कांग्रेस में दिन भर रही हलचल। नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अजय बाकन से की मुलाकात। संगठन और सरकार के मसले पर हुई चर्चा। अजय बाकन के साथ डोटासरा की मौजूदगी से असहज भी दिखे नेता। प्रदेश प्रभारी से खोलकर नहीं कर पाए चर्चा। बाकन के लिए भी शक्ति संतुलन बनाना चुनौती। प्रदेश में ताकत जुटाने में जुटे सचिन पायलट। समर्थकों ने तैयार किया रोडमैप। राज्य के 33 जिलों के दौरे की तैयारी। नई शिक्षा नीति के खिलाफ सामाजिक संगठनों का विरोध जारी। जयपुर में कांग्रेस सेवा दल ने किया प्रोटेस्ट। शिक्षा के बाजारीकरण का लगाया आरोप। राजस्थान में बारिश का दौर जारी। कई शहरों में हुआ जल जमाव। जैसलमेर में बाढ़ जैसे हालात। जयपुर में भी लोगों को पेश आई मुश्किलें। नमस्कार, सोलह राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। धर्म की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे इस सेगमेंट में। सबसे पहले बात कांग्रेस की करते हैं। राजस्थान कांग्रेस में पूरे दिन भर हलचल रही। सुबह 11 बजे से प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात शुरू कर दी थी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक अजय माकन से मुलाकात के दौरान नेताओं ने संगठन और सरकार के मसले पर बात की। हालांकि इस दौरान कई नेताओं ने खुद को असहज भी महसूस किया। सूत्रों के मुताबिक कई नेता अपने मन की बात नहीं कह सके। डोटासरा की मौजूदगी में इन नेताओं को लगातार परेशान किया। बता दें कि गहलोत और पायलट के बीच शक्ति संतुलन कायम रखना माकन के लिए बड़ी चुनौती है। दोनों नेताओं के बीच 35 दिन चले सियासी संघर्ष के बाद दूरियां काफी बढ़ गई हैं। दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे को विरोधी मानकर नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सचिन पायलट के विरोध के बाद ही कांग्रेस ने अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया था। रामस्वरूप हमारे संवाददाता, कांग्रेस से जुड़ी हुई जो बैठक हुई है उसको लेकर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, आज दिन भर बैठकों का सिलसिला जारी रहा। कितने विधायकों से मुलाकात हुई है और किस तरह की शिकायतें या फीडबैक लेकर आए थे ये विधायक और नेता? देखिए, सुबह करीब 11 बजे से ये मुलाकातों का दौर शुरू हुआ था और करीब शाम को 5:30 बजे तक लगातार बैठकें होती रही। जितने भी जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको सूचना देकर के बुलाया गया था, उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और बाकी कुछ मंत्रियों को और कुछ विधायकों को भी यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया गया था। हमने जैसा दिन में बताया था कि करीब जो 46 जो नेता है उनसे आज वार्तालाप का संवाद का कार्यक्रम था जिसमें वो शामिल हुए और आए। जहाँ तक अभी आपने बात की थी कि कुछ नेता वहाँ पर असहज महसूस करते रहे थे, उसमें 46 में केवल एक या दो नेता ऐसे थे जो जिनको ऐसा लगता था कि शायद वो असहज हैं। इसको देखते हुए कि क्योंकि ये जो संवाद का जो दौर था वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जहाँ पर गोविंद डोटासरा का जो चैम्बर है वहाँ पर हो रहा था, लेकिन जब वो एक दो नेता जब आए थे बात करने लगे थे तब गोविंद सिंह डोटासरा स्वतः ही उस चैम्बर से जो है बाहर निकल गए थे। ऐसा इसलिए हुआ कि उनको ये नहीं लगा कि वो उनके सामने कोई बात नहीं कह सके। हालांकि इस पूरी मुलाकात के बाद में जब करीब 6:45 बजे मीडिया से रूबरू हुए थे अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा, तब उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा था कि ऐसा वाली ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को लगा था कि ऐसा नहीं हो कि मेरी मौजूदगी में कोई व्यक्ति साफ तौर पर खुलकर कोई बात अपनी नहीं कह सके प्रदेश प्रभारी को, ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा स्वतः ही वहां से उठ करके थोड़ी देर के लिए दूसरे चैम्बर में चले गए थे। लेकिन बाकी जो मुलाकात का दौर रहा, संवाद का दौर रहा, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद रहे। रामस्वरूप, चूंकि जाहिर तौर पर अजय माकन का प्रभारी के तौर पर ये पहला दौरा है और कई मायने में खास इसलिए जो कि कैबिनेट के मंत्रिमंडल का जो कैबिनेट है उसको रिशफल भी करना है, राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है, तो आखिरकार ये जो फीडबैक लिया जाएगा विधायकों के जरिए उसमें बहुत कुछ उस फैसले पर निर्भर करेगा। बने रहिए रामस्वरूप हमारे साथ। इस बीच खबर ये भी है कि पायलट गुट के विधायकों और नेताओं से अलग से मुलाकात करने को लेकर अजय माकन ने साफ किया है कि सभी विधायकों की उनसे पहले ही चर्चा हो चुकी थी। एक दो ही ऐसे विधायक थे जिनसे कोई चर्चा नहीं हुई, उनसे चर्चा कर ली गई है। अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस में सब एकजुट हैं, गुटबाजी जैसी कोई बात अब राजस्थान में नहीं रही है। अजय माकन ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां रुकेंगी।
ये कैबिनेट के रिशफल और राजनीतिक नियुक्तियों से पहले, इसलिए कई मायने में खास हो जाता है। यहाँ आप क्या इस वक्त चैलेंजिंग देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? अजय माकन के लिए नए नए वो प्रभारी बनाए गए हैं, सचिन पायलट के गुट को भी उम्मीदें हैं, तो जाहिर तौर पर जो गहलोत अशोक गहलोत के गुट है उनके विधायकों को भी बहुत सारी उम्मीदें होंगी। मनु, सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने ये है कि मुख्यमंत्री के प्रभाव से कैसे निकलते हैं। देखिए, इसके कई कारण हैं। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी होता है कि जो स्टेट इंचार्ज होते हैं वो आमतौर पर मुख्यमंत्री के प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं, उनके साथ मिलकर ज़्यादा चलते हैं, बजाय इसके कि जो दूसरे जो गुट्स होते हैं या दूसरे जो पक्ष होते हैं, चाहे वो संगठन के हों। चूँकि दोनों जगह इस वक्त तो प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग हैं, तो उनके निश्चित रूप से शक्ति केंद्र बन जाते हैं और वो प्रभारी जो होते हैं वो आमतौर पर सरकार के साथ चलते रहते हैं। ये उनको सुविधाजनक भी लगता है और इसके अपने कई अलग कारण भी होते हैं। दूसरा क्या है कि जब अशोक गहलोत महासचिव थे और तब प्रदेश अध्यक्ष थे अजय माकन वहाँ दिल्ली में, तब उन्होंने काफ़ी बातें शीला दीक्षित और अजय माकन में, चूंकि बनती नहीं थी तो माकन के पक्ष में कई बातें कही थी। दोनों का पुराना साथ है, पुराना अनुभव है। इस नाते चैलेंज ये होगा कि क्या वो गहलोत के प्रभाव से निकल के उनको जो जिम्मेदारी दी गई है न्यूट्रल रूप से एक रेफरी का रोल अदा करने की, क्या वो उसको निभा पाएंगे? ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जी, उधर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राज्य कांग्रेस के नेताओं को अजय माकन का अनुभव मिलेगा और संगठन चलाने में मदद होगी। उन्होंने कहा कि कई वरिष्ठ नेता अस्वस्थता के चलते नहीं आ सके हैं, लेकिन जिन नेताओं ने माकन से मुलाकात की वो काफ़ी उत्साहित हैं। वहीं अजय माकन का कहना है कि नेताओं से बातचीत में तय हुआ है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होगी उसको लेकर मीडिया से मुखातिब हुआ जाएगा। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उनकी क्या बड़ी बातें थीं और इस तरह की मीटिंग से विधायकों का क्या भरोसा जीता जा सकता है? क्योंकि दूरियां हमने देखा है काफ़ी बढ़ गई हैं और अभी भी ऑल इज़ वेल दोनों गुटों के बीच में नहीं है। बिल्कुल, गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से रूबरू होते समय साफ तौर पे यही बात कही थी कि अजय माकन जी का बहुत पुराना अनुभव है, वो छात्र संघ से लेकर के लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं, तो उनका बहुत बड़ा जो अनुभव है तो वो अनुभव अब प्रदेश प्रभारी के तौर पर प्रदेश में काम आएगा और नए कई तरह के नवाचार जो है यहाँ किए जाएंगे। जिस तरह से एक बात तय हुई थी कि प्रत्येक जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं वो हर महीने अपने क्षेत्र में जाएंगे और एक दिन तय करके बाकी तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेंगे और वहाँ से फीडबैक की जो प्रतिलिपि होगी, कॉपी होगी, जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी को देंगे। तो इससे अब यह हो जाएगा कि प्रदेश के सभी 33 जिलों के जो प्रभारी हैं वो प्रभारी वहाँ से फीडबैक तैयार करेंगे, संगठन के कार्यकर्ताओं से भी, बाकी पदाधिकारियों से भी और किसी कार्यकर्ताओं को नाराज़गी हो तो उसकी भी। तो इसका एक नवाचार का बड़ा फायदा मिलेगा कि पूरी जो रिपोर्ट है हर महीने एक नए रूप में प्रदेश से जो नए प्रभारी बने हैं तो उनके पास आएगी, वो उस रिपोर्ट को जो है समीक्षा करेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस तरह की कोई नाराज़गी है या नहीं है। खासतौर से बात यही है कि सत्ता और संगठन के बीच समन्वय जो है किस तरह से अच्छा रहे, और दूसरी बड़ी बात जैसे आपने भी कहा था कि संगठन में कई तरह की नियुक्ति अब होनी है, तो पहले जो ये संवाद का दौर रहेगा उस दौर पूरा होने के बाद में जो है ये नियुक्तियाँ की जाएगी। पहले जयपुर संभाग के जितने भी जिले आते हैं उन जिलों के जो उन जिलों से जुड़े हुए जो विधायक होंगे, जो नेता होंगे, वो वहाँ कल वहाँ आएंगे, दिन भर बैठकों का दौर जारी रहेगा। उसके बाद में जो है अजमेर संभाग के जो पदाधिकारी होंगे उनसे बातचीत करेंगे। जहाँ तक आज के नेताओं की बात है जो नहीं आए थे, जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाई, और ऐसे में नारायण सिंह हैं वो नहीं आ पाए, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं जो स्वास्थ्य कारणों के चलते इसमें शामिल नहीं हो पाए, ऐसे में उनसे जो है दोबारा बैठ के बातचीत की जाएगी। और हमने देखा कि कल रात को जब देर शाम को जब अजय माकन जयपुर पहुंचे थे, उसके बाद भी जब वो खासाकोटी में रुके थे तो कई विधायकों से मिलने का दौर उनका वहां पर भी लगातार चलता रहा। आज सुबह भी पीसीसी में पहुंचने से पहले भी उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात खासाकोटी में
अजय माकन पे काफी प्रभारी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है और यही कांग्रेस की कोशिश होगी कि जो अभी स्थिति कांग्रेस के लिए बनी थी, एक से डेढ़ महीने जिस तरह की खींचतान चली थी, वो दोबारा ना हो, चूंकि सरकार जाते जाते बच ही है। रामस्वरूप हमारे साथ बने रहिए। उधर सचिन पायलट अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पायलट अपने समर्थकों को फोन से एकजुट कर रहे हैं। वहीं पायलट समर्थक नेता और विधायक भी अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से संपर्क साध रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि पायलट समर्थक बड़े नेताओं ने इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक सचिन पायलट पूरे प्रदेश की यात्रा करेंगे, सभी 33 जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके पहले सचिन पायलट जब सड़क मार्ग से टोंक गए थे तो उस वक्त उन्होंने एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन किया था। एक बार फिर सचिन पायलट शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। संजय बोरा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संजय जी, ये जो शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है 33 जिलों का दौरा सचिन पायलट का, ये शक्ति प्रदर्शन किसके लिए है? क्या विपक्ष यानी बीजेपी के लिए है, या कह सकते हैं कि उनका जो विरोधी गुट है गहलोत गुट, उसके लिए है? मनु, देखिए ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। क्या है कि जब मुख्यमंत्री हो या प्रदेशाध्यक्ष हो, वो दौरे करते हैं तो समझ में आता है। जब सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे और अशोक गहलोत महासचिव थे, उनको दिल्ली बुलाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो दौरे कर रहे थे, तो सचिन को भी ये रास नहीं आया था। तो यह बात अब मुख्यमंत्री और गोविंद सिंह डोटासरा जो वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप को ये दिखाता है कि वो अभी तक अपने आप को एक शक्ति, यहाँ पे राजस्थान में एक शक्ति केंद्र मानते हैं और बना के रखना चाहते हैं। क्योंकि वो किस हैसियत से मिल रहे हैं, ना वो उप मुख्यमंत्री हैं ना वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के सामने बड़ा संकट आ जाता है कि अगर वो जाएं और तो उनके सामने मुश्किल, क्योंकि वर्तमान नेतृत्व नाराज हो जाएगा। अगर वो ना जाए और भविष्य में सचिन पायलट कुछ बनकर आ जाए तो उनके सामने मुश्किल। तो ये कार्यकर्ताओं के सामने असमंजस है, और सचिन पायलट दरअसल ये दिखाना चाहते हैं कि वो राजस्थान छोड़ने वाले नहीं है, वो अपनी सक्रियता छोड़ने वाले नहीं है। ये उनका संदेश है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जाहिर तौर पर सवाल उठेगा कि आखिरकार इस तरह के शक्ति प्रदर्शन की इस वक्त आपको जरूरत क्या है, और अचानक आप दौरे पर क्यों राजस्थान के निकल आए हैं? शुक्रिया संजय बोरा जी इस यात्रा के मायने हमें समझाने के लिए। रामस्वरूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो रियलिटी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर जल्द हाजिर होते हैं। I'm glad I chose LPU. I made friends from all over the world, got mentored by corporate CXOs and His Holiness Dalai Lama. And this great exposure has helped me to grab a job in a multinational company. Think big. Lovely professional university. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800300026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। RKDF University, a world-class university, जहां students को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो job creators बन सके, ना कि सिर्फ job seekers. So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1-800-270-0320। राजस्थान में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया और इसके विरोध में धरना दिया।
जयपुर में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर धरना दिया और मौन व्रत रखा। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लालजी देसाई ने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति में बाजारवाद हावी होगा। लालजी भाई के से खास बात की हमारे संवाददाता रामस्वरूप ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनाई गई है उसको लेकर के पूरे देश में लगातार विरोध किया जा रहा है। राजस्थान में कांग्रेस के जो सेवा दल है उसके द्वारा जो तमाम वरिष्ठ शिक्षाविद हैं उनसे राय ली गई है कि किस तरह की खामियां हैं, किस तरह का बाजारवाद यहां पर हो रहा है। और दो दिन के इस मंथन के बाद में आज जयपुर के शहीद स्मारक पर सेवा दल की तरफ से जो है इसका विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ में राष्ट्रीय सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालजी देसाई जी। लालजी, जैसे दो दिन का जो मंथन रहा है, क्या क्या खामियां बताई गई थी शिक्षाविदों के द्वारा? आपने अगर उस बिल को पूरी तरह से राष्ट्रीय जो का नया पॉलिसी उसको पढ़े, आज हम एक संगठन के तौर पर राष्ट्रीय जनसेवा शिक्षा आंदोलन के बैनर के तहत स्वयंसेवी संस्था के लोग और सेवा दल के जो सभी साथी हैं वो मिलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस देश की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो समान शिक्षा का अधिकार जो था राइट टू एजुकेशन वाला, उसको हटाकर धीरे से एजुकेशन फॉर क्लास एंड लिटरेसी फॉर मास, पैसे वालों के लिए शिक्षा होगी और जो गरीब और मध्यम वर्ग हैं उनके बच्चों के लिए अक्षर ज्ञान होगा, और शिक्षा का व्यापार बाजारीकरण करने का और वो बाजार में खुद लुटेरे बनकर लूटने का इनका जो प्रयास है उसके खिलाफ की ये लड़ाई है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे संघीय ढांचे में हर राज्य को स्वायत्ता शिक्षा के मुद्दे पर जो दी गई थी उस स्वायत्ता को ख़त्म करके सत्ता का केंद्रीकरण की तरह इस शिक्षा का भी केंद्रीकरण कर रहे हैं जो गलत है। उसके खिलाफ बड़े बड़े वादे ना कोई इरादे, बातें बड़ी कर रहे हैं पर बजट में कुछ है ही नहीं प्रावधान। जब तक बजट में नहीं होगा तो ये हकीकत कैसे बनेगा? तो ये बजटरी प्रावधान के लिए भी हम लोग कहते हैं कि जीडीपी का 10% जब राष्ट्र का विकास होता है तो उसके लिए बजट में वो प्रावधान शिक्षा के लिए होना चाहिए। वो हमारी डिमांड है और हम ये चाहते हैं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार राइट टू एजुकेशन का जो स्वीकार हुआ है उसको कमज़ोर ना किया जाए, उसको बाकायदा हमारे फंडामेंटल राइट्स के तौर पर रखा जाए। ये यूनिवर्सल के नाम पे, वोकेशनल के नाम पे, हम तकनीकी शिक्षा के नाम पर उद्योग के पुर्जा नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन जीने का कौशल है शिक्षा के माध्यम से आए, तो इसके लिए लड़ाई है। हम देश के स्तर पे पार्लियामेंट से लेकर गांव तक की ये लड़ाई जो है वो सेवा दल और दूसरे जो कर्मशील संस्थाएँ हैं, NGOs हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो मिलकर राष्ट्रीय जनसेवा शिक्षा आंदोलन के तहत हम लड़ेंगे। तो ये लालजी देसाई हैं सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान नए जोड़े गए हैं वो सही नहीं है, पूरी तरह से शिक्षा का बाजारवाद किया जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है, वो कतई उचित नहीं है। इसी लिहाज से न केवल कांग्रेस सेवा दल बल्कि तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो मिलकर इस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ राम स्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान में NSUI कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइज मास्क और ग्लव्स का वितरण किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने परीक्षा केंद्रों पर जाकर इन वस्तुओं का वितरण किया। दरअसल राजस्थान में DLET की परीक्षाएं आयोजित की गई थी जिसके लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया था। वहीं स्टूडेंट्स का टेम्परेचर भी मापा गया, सभी स्टूडेंट्स को सैनिटाइजर भी दिया गया। इस कार्य में NSUI के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस सरकार ने भी आपको बता दें कि परीक्षार्थियों के लिए विशेष इंतजाम किए थे, परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा गया। परीक्षा केंद्रों में किस तरह के इंतजाम किए गए थे इसको लेकर हमारे संवाददाता राम स्वरूप ने जयपुर के गांधीनगर के शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी उर्मिला बारेट से खास बातचीत की। राजस्थान में आज प्री DLED एग्जाम है और तमाम इंतजाम प्रशासन की सरकार की तरफ से किए गए हैं। मैं एक परीक्षा केंद्र में हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं उन सब का टेम्परेचर पहले चेक किया जाता है और उसके बाद में उनके हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। यह जयपुर का जो गांधीनगर स्कूल है बहुत बड़ा परीक्षा केंद्र है जहाँ पर करीब 500 से ज़्यादा जो बच्चे हैं
वो इस एग्ज़ाम को देंगे। हमारे साथ में इस परीक्षा केंद्र की प्रभारी हैं, मैडम इनसे पूछते हैं कि किस तरह के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल है, किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई है मैडम यहाँ पर? 555 कैंडिडेट्स का सेंटर है ये, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो रखा ही जा रहा है, सैनिटाइजर है और टेम्परेचर लेने के लिए स्क्रीनिंग मशीन भी है। इसके अलावा सभी बच्चे मास्क लगा करके आए हैं और डिस्टेंस के हिसाब से 15-15 की सीटिंग एक एक कमरे में की गई है। अमूमन हम देखते हैं कि एक रूम में करीब 24 या उससे ज़्यादा जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन इस बार आपने कहा कि 15 एग्ज़ाम लगभग, 15 की डिस्टेंस के हिसाब से 15 का सेंटर बनाया गया एक कमरे को, और इसी के हिसाब से पेपर की पैकिंग आगे से आई है। हॉल जैसे बड़ा है तो उसमें भी 15-15 की लाइन लगाई गई है, काफ़ी बड़ा हॉल है उसमें, उसमें 8 लाइनें 15-15 के हिसाब से बनाई है, जिसमें काफ़ी डिस्टेंस है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच। जिस तरह से बाकी एग्जाम्स में इन दिनों सोशल डिस्टेंस की पूरा ख्याल रखा जा रहा है, कि वही चीज़ें सारी अपनाई गई है इस एग्ज़ाम में? बिल्कुल वही अपनाई गई है, क्योंकि हमने कल ही लेटर भिजवा दिए थे, पुलिस से तो आते ही हैं लोग डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा डिस्पेंसरी में लेटर भिजवाया था तो वहाँ से 2 नर्सेज भी आई गई हैं और टेम्परेचर वो सभी कैंडिडेट्स का ले रही हैं, इसके बाद ही बच्चे को परीक्षा कक्ष में एंट्री दी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, बीएसटी करने के लिए इसका प्री एग्ज़ाम है ये, इसमें प्रत्येक स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक किया जाता है, और बाकायदा टेम्परेचर चेक करने के बाद में उनके हाथ भी सैनिटाइजर करवाए जा रहे हैं। जिस तरह से बैठने का इंतज़ाम अभी बताया गया था परीक्षा केंद्र के प्रभारी के द्वारा, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अमूमन एक कक्षा में हम देखते हैं कि करीब 24 या उससे ज़्यादा अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा गया है, केवल 15 बच्चों को ही एक कमरे में बैठने के इंतज़ाम किए गए हैं, और उसी हिसाब से जो प्रश्न पत्र है वो उसकी पैकिंग होकर आई है। जो बड़े हॉल हैं उनमें भी जो है ज़्यादा भीड़ के लिहाज से उन बच्चों को एंट्री जो व्यवस्था होती है वो नहीं की गई है, ताकि कोरोना के इस संक्रमण से बचे, वायरस से एक दूसरे के चपेट में कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट्स अभ्यर्थी जो वगैरह है वो नहीं आए, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। जयपुर से कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस। बढ़ते आगे, राजस्थान में मॉनसून सक्रिय है, यहाँ पर एक बार फिर कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जयपुर में लगातार बारिश हो रही है, शहर में कई इलाकों में जल भराव हुआ है। वहीं जैसलमेर में तो करीब भारी बारिश से शहर में हर जगह जल भराव नजर आ रहा है, बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं बाड़मेर में भी कहीं हल्के हल्के तो कभी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए अब पश्चिमी राजस्थान में पहुंच गया है। वक्त थोड़ी से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है सुराज एक्सप्रेस पर।